डियर स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में नाइन्थ क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर नाइन को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर नाइन जनरल इंस्ट्रक्शंस दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक्स इट कंटेन्स टेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग वन मार्क ईच चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट विद ए पेंसिल और ए पेन ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी स्टूडेंट्स इस असेसमेंट वर्कशीट में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वह प्रीवियस वर्कशीट के सोल्यूशन पर डिपेंड करते हैं उनके ऊपर तो यदि आपने प्रीवियस वर्कशीट को अच्छे ध्यान से समझा है देखा है पढ़ा है देखा पढ़ा तो आप असेसमेंट वर्कशीट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं तो देखिए मैं एक बार असेसमेंट वर्कशीट आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन नंबर वन है वट मेड सेंट पीटर एंग्री सेंट पीटर एंग्री क्यों हुआ द वुमेन्स ग्रीड वुमेन की लालच की वजह से द वुमेन्स सेल्फिशनेस की वजह से द वुमेन्स प्राइड उसके गर्व की वजह से या फिर द वुमेन्स काइंडनेस उसकी दयालुता की वजह से तो आपको पता हो ही इस वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि सेंट पीटर जो है वो बहुत ही हंगरी था तो जैसे ही उसने एक केक बनाने वाली वुमेन को देखा तो उसने उसको कहा कि मेरे लिए केक बना दो तो औरत ने उसके लिए बहुत ही छोटा सा केक बनाया तो देखिए बच्चों क्योंकि उसने उसके लिए छोटा सा केक बनाया था तो ये उसकी ग्रीड थी उसका लालच था उसके लिए लेकिन उसने उस छोटे से केक को भी देने देते समय मतलब कंजूसी तो दिखाई उसको नहीं दिया उसको देने से मना कर दिया तो ये उसकी सेल्फिशनेस थी तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है द वुमन्स सेल्फिशनेस तो यहां पर आपको बी ऑप्शन द वुमेन्स सेल्फिशनेस को टिक करना है नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर टू हाउ डिड द चिल्ड्रन वेयरिंग फरी क्लोथ्स लुक फर्स्ट है दे लुक लाइक लिटल पप्स पप्स होते हैं डोग का बच्चा तो क्या वो छोटे छोटे पप पपीस की तरह नज़र आ रहे थे दे लुक लाइक फॉक्सिस वह लोमड़ी की तरह नजर आ रहे थे दे लुक लाइक फ़ोन्स फ़ोन्स होते हैं डियर वह छोटे यंग वंस डियर्स की तरह नज़र आ रहे थे या फिर दे लुक लाइक बियर्स कब या फिर वो बियर्स कब मतलब भालू के बच्चों की तरह नज़र आ रहे थे तो जब चिल्ड्रन ने फरी क्लोथ पहने थे तो वह बियर्स कब नजर आ रहे थे तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर डी दे लुक लाइक बियर्स कब को टिक करना है नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड वट वाज द सेल्फिश वूमेन चेंज्ड इन टू सेल्फिश वूमेन किस चीज में चेंज हो गई थी किस रूप में बदल गई थी वो इंटू ए फॉक्स फॉक्स में इंटू ए क्रो इन टू एन ईगल या फिर इन टू ए वुड पैकर तो जब मैंने आपको स्टोरी बताई थी तो मैंने आपको बता बताया था कि सेल्फिश ने वो सेल्फिश uh, वुमेन जो थी वह एक वुड पैकर में चेंज हो गई थी तो आपको ऑप्शन नंबर डी इन टू ए वुड पैकर लगाना है नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर फोर हाउ वेंट पीटर फीलिंग वैन ही रीच द लिटल वुमेन्स कॉटेज जब सेंट पीटर लिटल वो वुमेंस के कॉटेज पर पहुँचा तो वह कैसा फील कर रहा था टायर्ड एंड हंग्री Next hair hail and hearty. Next is happy and refreshed. ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड एंड फीवर तो जब सेंट पीटर लिटिल वुमेन्स के कोटेज पर पहुंचा था तो वह बहुत ही थका हुआ था और हंगरी था तभी सेंट पीटर ने उसको केक बनाते हुए देखा था तो उसका मन करा था अपनी भूख को मिटाने के लिए कि केक को खा लिया जाए तो तभी उसने लिटिल वुमेन को बोला था कि उसके लिए भी वो केक बनाएँ लेकिन लिटिल वुमैन भी इतनी ग्रीडी इतनी सेल्फिश थी कि उसने उसके लिए बहुत ही छोटा सा केक बनाया और जब वह केक देने की बात आई तब भी उसने उसको वह केक नहीं दिया तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है कि जब सेंट पीटर लिटिल वुमेन के कॉटेज पर पहुँचा था तो वह बहुत ही टायर्ड था और हंगरी था चूज़ द ऑप्शन नंबर ए टायर्ड एंड हंगरी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ वाज टोटो टेकन टू सहारनपुर टोटो जैसा कि आप जानती हैं ये एक बेबी मंकी का नाम है हाउ वाज टोटो टेकन टू सहारनपुर तो फर्स्ट है ऑप्शन इन ए बास्केट सेकेंड है इन ए लिटल केज इन ए कैनवस किट बैग या फिर इन इन ए बैग ए बिग ब्लैक प्लास्टिक बैग तो वह कैनवस किट बैग में सहारनपुर गया था तो आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी इन ए कैनवस किट बैग नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ डिड टोटो डू विद द राइटर स्कूल ब्लेजर टोटो ने राइटर के स्कूल ब्लेजर के साथ क्या किया ही टोर इं टू द श्रेड्स उसने उसको फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में ही वोर इट ऑन हिज़ बैक या फिर उसने उसको अपनी पीठ पर पहन लिया ही थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो उसने उसको विंडो से बाहर फेंक दिया या फिर ही मेड इट इंटू हिज़ बैटिंग या फिर उसने उसको अपनी आ, मतलब अपना बेड बनाने के लिए यूज़ किया तो यहाँ पर क्या था उसने उसको फाड़ दिया था छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर अलग कर दिया था ही टोर इट इंटू श्रेड्स चूज़ द ऑप्शन नंबर ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन फ्राम वेअर डिट द ग्रैंड फ़ादर बाय द मंकी टोटो कहाँ से ख़रीदा था ग्रैंड फ़ादर ने मंकी टोटो को तो फ्रॉम ए मार्केट एक मार्केट से फ्रॉम ए मॉल या फिर फ्रॉम द जंगल या फिर फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर तो उसने उसको एक टोंगा ड्राइवर एक टांगा चलाने वाले ड्राइवर से परचेज़ किया था ख़रीदा था तो आपको ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर लगाना है नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर एट नेम द थिंग्स टोटो डिस्ट्रॉयड एट द राइटर्स होम फर्स्ट है वॉल पेपर्स एंड क्लोथ्स सेकेंड इज करटेन्स थर्ड इज़ डिशेज या फिर ऑल ऑफ द अबव तो टोटो ने राइटर के घर में किन किन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो उसने उसके वॉल पेपर्स और कपड़ों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था जैसे कि अभी अपने हमने ऊपर देखा कि उसने राइटर के स्कूल बैग को टोर फाड़ दिया था छोटे छोटे टुकड़ों में तो उसने वॉलपेपर और क्लोथ्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था कटीन्स उसके पर्दों को भी फाड़ दिया था डिशेस उसके खाने के बर्तनों को इधर उधर गिरा दिया था ऑल ऑफ़ द अबव सो यू हैव टू चूज़ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ़ द अबव नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन चेंज इन टू इन डायरेक्ट स्पीच ही सेट टू मी यू आर लकी देखिए आपको ये डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस दिया गया है आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए मैंने आपको बताया था कि हमेशा सेट टू को किस में चेंज किया जाता है टोल्ड में तो ही टोल्ड मी अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है यू आर लकी दिस इज एफर्मेटिव सेंटेंस तो जब भी सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव होता है डायरेक्ट स्पीच में तो हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए दैट कंजक्शन लगाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है दैट ही टोल्ड मी दैट अब यू को चेंज करना है सेकेंड पर्सन है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मी तो ये किस में चेंज हो जाएगा आई में आई अब इज एम आर किस में चेंज होता है वॉजबर में तो यहाँ पर क्या आएगा आई वॉज लकी तो कंप्लीट रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्या बनती है ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लकी तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें एम दिया गया है सो इट्स रॉन्ग जो ऑप्शन नंबर टू है उसमें विल बी दिया गया है तो ये भी गलत है ऑप्शन नंबर थर्ड में वर दिया गया है तो ये भी गलत है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बनता है ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लकी नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेंथ चेंज इन टू इंडाक्ट स्पीच आई सेट टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड तो देखिए अब ये सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू है वाई से शुरू है तो इसमें हम सेट टू को किसमें चेंज करते हैं आस्कड में तो सेंटेंस चेंज कीजिए आई आस्कड हिम जब भी सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होता है तो हम कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं करते सो तो वाई अब यू चेंज हो जाएगा हिम के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा यहाँ पर ही ही वॉज वर्किंग सो हार्ड तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है आई आस्कड हिम बाय ही वॉज वर्किंग सो हार्ड ऑप्शन नंबर ए बनता है तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी असेसमेंट वर्कशीट का पूरा सोल्यूशन उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी यदि आपको कोई डाउट है कोई क्वरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग हैवे नाइस डे